मुकेरियां के डाकखाने के पीछे खाली प्लाट में खड़ी स्विफ्ट डिजायर गाड़ी को लगी आग। हल्का मुकेरिया में डाकखाने के पीछे खाली प्लाट में खड़ी स्विफ्ट डिजायर गाड़ी में मंगलवार देर शाम करीब 6:15 बजे आग लग गई। अचानक लगी इस आग के कारणों का पता नहीं चल पाया। गनीमत रही कि कोई जानी माली नुकसान तो नहीं हुआ, परंतु पास में खड़ी एक स्विफ्ट डिजायर कार पूरी तरह से जलकर राख हो गई। लोगों ने बड़ी मशक्कत से आग पर काबू पाया, परंतु नगर काउंसिल मुकेरिया में स्टाफ नहीं होने के चलते दमकल की गाड़ी को दसूहा फायर ब्रिगेड के ऑफिस में नगर काउंसिल के कर्मचारियों द्वारा सूचित किया। उसके बाद गाड़ी करीब 1 घंटे बाद पहुंची घटनास्थल। तब तक कार पूरी जलकर राख हो चुकी थी। देवेंद्र कुमार सर, पता नहीं मैंने फोन आया किसी का, मेरे दोस्त का पिछे ना गड्डी के लागे भी अग लगी है, तो हूँ ये नहीं पता कि लगी की होया, सानू नहीं उस गल का पता। तो जल्द ही इतने मुंडा भी अंदर इतने रहा ना क्वार्टर मेन इतने रहा वै, तो जो अं आए देख उतना के गड्डी अग पै चुकी थी, तो डर के लागे कोई ना आया, तुम पता गड्डी पेट्रोल वाली है, इस करके गड्डी हूँ सड़ के सुह हो गई है, बिल्कुल टोटल लॉस हो गई है सर। 6 महीने पहले तो लई है, फुल इंश्योर्ड है सर, फुल इंश्योर्ड सर। कोई हादसे का कारण मैंने भी लगना है, हूँ की पता नेचुरल होया की होया, मैं तो मेरे को बाहर से मैं नहीं सर, नहीं शॉर्ट सर्कट का मैंने नहीं पता, कोई भी हो सकता, कुछ भी पता नहीं, मैंने पता सारा मामला ये गड्डी में अग लगी डाकने की, मगर गड्डी खड़ी है, ये पता नहीं अचानक अग लग गई नहीं कितने, तो फायर ब्रिगेड क्यों नहीं आ पाई टाइम से? टाइम से अक्सर 10-15 मिनट तो लगने सके, दसूहे तो मंगाई है, मकेरियां को स्टाफ नहीं है कोई भी। लोगों में गुस्सा इस गल का है कि बिल्कुल 100 मीटर के उत्ते नगर कौंसल का दफ्तर है, उत्थे 2 गड्डियां खड़ियां, 2 की बजाय 3। हाँ जी हाँ जी, ये क्यों नहीं मौके पर आ पाँदी, की प्रॉब्लम की है? सब बड़ी प्रॉब्लम जी स्टाफ की है, नगर कौंसल कोई स्टाफ नहीं प्रोवाइड किया गया जाए, तो इस करके गड्डिया नहीं आदि, दूसरे मंगा पिछले जो गल की है तो भर्ती हुई सी कुछ 2 बंदे, 2 बंदे जो फायरमैन आए उन्होंने काम नहीं चलता जी, ड्राइवर जो गड्डी ड्राइवर ने चलानी, दिक्कत कितने सरकार वाले ठीक।